बिहार दरोगा की एक नई नोटिफिकेशन आई जिसके बाद छात्रों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया कि ये क्या था। बहुत सारे शिक्षकों ने आकर कह दिया कि एकदम से सिलेबस चेंज हो गया। क्या कुछ था, क्या कुछ होने वाला है, और देखिए कितनी कुछ वैकेंसी आने वाली है अगर ये कुछ अलग है तो। गुरु रहमान सर हमारे साथ है, दरोगा गुरु, तो चलिए सर से सीधा बात करते हैं और जानते हैं कि ये पूरा नोटिफिकेशन क्या कुछ था, कब तक में इसकी वैकेंसी आ सकती है, कितनी वैकेंसी सीधी भर्ती से ली जाएगी, कितना वैकेंसी जो है अलग प्रक्रिया के तहत लिया जाएगा, क्या कुछ है पूरा माजरा समझेंगे सर से। सर ऑन ड्यूटी में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जिस प्रकार से नोटिफिकेशन आई और बहुत सारे शिक्षकों ने आकर कहना शुरू कर दिया कि सिलेबस ही चेंज हो गया, हालांकि ये बात तो बाद में साफ हो गया कि वो सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, लेकिन सर इसके बाद भी बताएं कि ये आखिरकार है क्या। देखिए, हम तो पहले ही बोलते हैं कि कोरोना के बाद शिक्षकों का ऐसा बाजार मेंढक आ गया है कि जाने बूझे कुछ भी टर 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 करना शुरू कर देता है। लोग आगे वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, व्यापक बदलाव, व्यापक बदलाव, व्यापक बदलाव। लेकिन मैं एक पुलिस डिपार्टमेंट से ही संबंधित हूँ, मेरे बाप भी पुलिस विभाग में थे, पूरा खानदान है पुलिस विभाग में। और स्पेशल ब्रांच क्या होता है और सामान्य पुलिस प्रशासन क्या होता है ये मैं अच्छी तरह जानता था। मेरे खटका मेरे मन में भी था, लेकिन गहराई से पढ़ने पर देखिए होता क्या था कि पहले निगरानी भी बिहार पुलिस से ही जाते थे। निगरानी के डीएसपी जो थे वो बिहार पुलिस से ही जाते थे, निगरानी के दरोगा भी बिहार पुलिस से ही जाते थे, सिपाही भी बिहार पुलिस से बिहार से ही जाते थे। लेकिन स्पेशल ब्रांच में सबसे बड़ी समस्या ये हो रही थी कि स्पेशल ब्रांच में लोग पैरवी करा के तो करा ले रहे थे कि चलो आराम आराम करेंगे, और वैसी परिस्थिति में ये पूरे राज्य और राज्य के बाहर से संबंधित केस की सुनवाई होती है तो बहुत सारा चीज़ ऐसा होता था कि अंग्रेजी में सामने वाला बोला तेलंगाना केस है और बिहार का अधिकारी उसमें जांच कर रहा है और उसको अंग्रेजी उतना आ ही नहीं रहा है, तो उस परिस्थिति में उसको दिक्कत होती थी। एनालिटिकल अप्रोच नहीं होता था, ट्रेनिंग क्या है वो सामान्य पुलिस का और इससे कोई मतलब है नहीं, स्पेशल ब्रांच में चलाया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री की एक उपलब्धि कह सकते हैं कि उन्होंने पहली बार कानून के प्रावधान का सहारा लेते हुए, संविधान के अनुच्छेदों में संशोधन का सहारा लेते हुए इन्होंने स्पेशल ब्रांच के लिए अलग से एक विज्ञप्ति निकाली, और विज्ञप्ति गृह मंत्रालय से, गृह सरकार से, आपको बीपीएसएससी से सबसे पास हो गया, और पास होने के बाद ये बहाली आई स्पेशल ब्रांच। स्पेशल ब्रांच में आपको 44 को विभाग है, 44 विभाग है जिसमें फोरेंसिक को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि फोरेंसिक साइंस से जुटा हुआ है तो साइंस वाली बात होती है, फोरेंसिक को जोड़ दिया तो एटीएस हो गया, सीआईडी हो गया, आपको अन्य शाखा हो गया, सीआईडी सी हो गया, सीआईडी ए हो गया, सीआईडी बी हो गया, इसमें बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो इन सारों के लिए अलग से दरोगा चाहिए था, अलग से इंस्पेक्टर चाहिए था, अलग से डीएसपी चाहिए था, तो इसी के लिए ये कानून में संशोधन करके एक अलग से स्पेशल ब्रांच के दारोगा इंस्पेक्टर के पद को सृजित किया गया है। और इसके इस जो नया पद सृजित हुआ है, क्योंकि इसमें एनालिटिकल अप्रोच की जरूरत है इसलिए मैथ भी है, देखिएगा इसमें भी सर प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक में आप सिलेबस भी एक बार, हाँ सिलेबस प्रीलिम्स वही 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन है 200 नंबर का रहेगा उसमें, वो सामान्य दारोगा वाला, सामान्य दारोगा वाला है उसका नंबर नहीं जुटेगा, फिर बदल मेंस वाले मेंस में हुआ है, मेंस फिर बदल क्या, पहला पहला सिलेबस सामान्य दारोगा से हटकर, सामान्य दारोगा से हटके है, यानी इसमें जीएस है, करेंट अफेयर बिहार है, यानी जीएस करेंट अफेयर बिहार मिला के 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मैथ है, मैथ में एनालिटिकल मैथ है, उसके बाद रीजनिंग है, और उसके बाद इंग्लिश और हिंदी है, इंग्लिश में आपको इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद है और संक्षेपण भी है, उसी तरह की व्यवस्था हिंदी में भी है। तो और फिर कंप्यूटर का अच्छी जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये सिलेबस स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर के लिए है, इसका सामान्य दरोगा से कोई लेना देना नहीं है। यह बिहार के इतिहास में पहली बार स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और डीएसपी के लिए पद का सृजन हुआ है जिसका यह सिलेबस है, इसका पुराने दरोगा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में सर वैकेंसी भी आ सकती है इसकी जल्द? आ सकती नहीं, आएगी ही, जुलाई में इसकी वैकेंसी आएगी, जुलाई में वैकेंसी आ जाएगी, यस किसी भी हालत में इसकी वैकेंसी आएगी। क्या लग रहा है सर कि अभी आंकड़ों के अनुसार अगर उठाकर देखें तो निगरानी में स्पेशल ब्रांच में जो अभी तक दूसरे डिपार्टमेंट से लाकर लाया जाता था तो कितने कितने वहां पर जरूरत हो सकती है कर्मचारियों की, उसके अनुसार देखिए बाढ़ है, मैक्सिमम
स्पेशल ब्रांच में भागे वाले इधर के लोग भागे वाले हैं, पैर भी करा करा के भाग के चलाते हैं। तो अब निश्चित रूप से वैकेंसी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 2000 से कम बहाली इधर और 2000 से कम बहाली बिहार दरोगा में नहीं आने वाला है। इसलिए बहाली बहुत लंबी जबरदस्त आएगी, इसलिए मैंने तो इसका बैच भी शुरू कर दिया है, मंगलवार से इसका बैच भी हम इसको शुरू करेंगे। इसके लिए सर इस दरोगा के लिए, उस दरोगा के लिए बैच तो शुरू है, इस दरोगा के लिए स्पेशल बैच मंगलवार से शुरू करने जा रहा हूँ। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी के साथ मैं चाहूंगा कि सर एक बार स्ट्रेटजी पर आप सर थोड़ा ये डिस्कस कर दें कि सर क्या सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए चीज़ों को, क्योंकि मेंस में सर सिलेबस में जिस प्रकार से कहीं ना कहीं पहली बार सिलेबस ऐड किया गया तो वहां पर छात्रों को देखिए एक बात तो स्पष्ट रूप से हम बता दें कि विशेष शाखा के सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे तमाम छात्रों से मैं अनुरोध यही करूंगा कि जैसे जीएस हो गया तो जीएस में क्राउन या लुसेंट दोनों में से एक तो किसी हालत में रगड़ के पढ़े, स्पीडी को रगड़ के पढ़े, स्पीडी को रगड़ के पढ़े। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा को देख लेंगे, बिहार के लिए बिहार स्पेशल किताब इम्तियाज अहमद और कमर अफजल की है उसको देख लेंगे। उसको देखने के बाद हिंदी की गहराई से तैयारी, अंग्रेजी की गहराई से तैयारी और साथ साथ मैथ अग्रवाल का और दीपक सर का आपको रीजनिंग अगर इसका गहराई से अभी से पढ़ना शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से पहली बार है फायदा होगा, अच्छे खासे लड़कों का हो जाएगा। और अभी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि क्लास ज्वाइन करें उसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर दें कि ताकि जुलाई में बहाली आएगी तब तक इनकी तैयारी पुख्ता हो जाए। और चूंकि ये इसमें सब लोग भर सकते हैं, वो दरोगा वाला भी ये भर सकते हैं, ये दरोगा वाला भी वो भर सकते हैं, इसमें एक चीज़ आपको बताएंगे कि इसमें दौड़ नहीं है, इसमें लंबाई का मानदंड भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन उतना लंबाई तो है कि अब कोई बीमारी मारी नहीं होना चाहिए, लेकिन दौड़ नहीं है। और स्पेशल ब्रांच के लिए अभी से तैयारी कर रहे जो चाहता है कि वो वर्दी का नौकरी उसको अच्छा नहीं लगता है, स्पेशल ब्रांच फर्स्ट क्लास का, यानी आप कह सकते हैं कि पुलिस विभाग के सचिवालय सहायक की नौकरी है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए अभी हमारे साथ गुरुरहमान सर थे और सर ने बताया कि किस प्रकार से जो बहुत सारे अभ्यर्थियों के बीच सिलेबस को लेकर कंफ्यूजन थी, कह रहे थे कि सिलेबस चेंज हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर ने बताया कि ये क्या कुछ है, बाकी सर ने सिलेबस पर भी चर्चा करी, कैसे तैयारी करनी चाहिए ये भी सर ने बताया। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या आपको इस तैयारी से संबंधित कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।